हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और ये है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 ये है इसका लास्ट वाला पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट यही है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये पार्ट नंबर 6। और इससे पहले इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था पार्ट नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को इसमें से 100% पूछता है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट सबसे पार्ट नंबर 1 था, बिकॉज हमने इसमें सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जो कि अपना 10th, 11th और यहाँ पे 12th के लिए जो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो की पूरी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जाओ ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर लो। और दूसरी बात, अगर आप लोग को यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप मुझसे नोट्स ले सकते हो, या तो मेल करके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। तो गाइज, यहाँ पे आज हम लोग को दिखना है चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। इसके पहले हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो प्लीज जाओ वहां पे देख लो, इसके पहले आपका सभी कुछ समझ जाएगा। आज हमको देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ऑलरेडी आपने इसके बारे में 11th में पढ़ा है, बट फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो इसको मैंने आपको जानबूझ के एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें। बिकॉज ये पार्ट जो डू यू नो का पार्ट होता है ना आपके टेक्स्ट बुक में, डू यू नो का पार्ट, वहां पे कहीं लिखा है, आपको मिल जाएगा आप ढूंढोगे तो। पेज नंबर अभी यहाँ पे नहीं पता है। ओके, सो अभी हम उसको देखते हैं। तो एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन, तो इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टू एलिमिनेट समथिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके हमको अपने प्रोडक्ट को पाना होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये मोस्टली टर्शरी अल्काइल में होता है, जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड, उनमें होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज के साथ होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होते हैं, तो हम उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहे जाते हैं, और यही एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये अभी हम सब लोग आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, और कभी भी याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर में होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और मोस्टली ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन होता है। क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन, इन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्कीन यहाँ पे बनता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इथीन हो। अब ये मत कहना कि मीथेन होगा, क्योंकि मीथेन कभी भी होता ही नहीं है दुनिया में, ऐसा मीथेन नाम का कोई चीज होती नहीं है, मीथेन नाम की चीज होती है। कभी भी जो अल्कीन होते हैं वो सेकंड यानी दो कार्बन से ही स्टार्ट होता है, और जिसे हम इथीन कहते हैं, तो मीथेन बनने का कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इथीन है, फिर उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, तो ये आगे बढ़ते जाएगा, ये कुछ भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो, यहाँ पे अभी हमको देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, जो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की बात की हुई है। बीटा एलिमिनेशन, आप कहोगे बीटा एलिमिनेशन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, सबसे पहले समझते हैं। मान लो, अब देखो, अपने को अल्काइल हैलाइड के बारे में ही पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही आपको फोकस करना है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ओके, तो मान लो यहाँ पे एक ऐसे कुछ कार्बन है, यहाँ पे चार आपके सामने कार्बन है, और इस कार्बन पे यहाँ पे मान लो Br अटैच है, कोई भी अटैच है। ठीक है, तो ध्यान देना, जिससे ये हैलाइड ग्रुप अटैच रहेगा, जिससे भी, जिस कार्बन से यह हैलाइड ग्रुप अटैच रहेगा, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के जो साइड में जितने भी कार्बन होते हैं उन्हें हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो यानी कि हमको कोई भी चीज को अगर एलिमिनेट करना है तो कहां से एलिमिनेट करना है, इन बीटा कार्बन में से ही एलिमिनेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा कार्बन है, ना कि अपना अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बीटा कार्बन से एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो बीटा कार्बन इधर है, ये कार्बन, इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। ऐसे इधर भी अगर अटैच है तो इसे भी हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, बिकॉज जो ये हाइड्रोजन है ये बीटा कार्बन से अटैच है, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। तो कभी भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन को ही क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ओके, उसके बाद देखते हैं, जो बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे हमेशा हम लोग नॉर्मली हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो भी बीटा हाइड्रोजन को, यानी कि जो बीटा कार्बन में अटैच होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं,
और ये चीज आपकी 11th में थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जिससे कि आपको डाउट सारा क्लियर रहे। ओके, नाउ जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये हमेशा याद रखना अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ही हमेशा ये रिएक्शन होता है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोजन ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली क्या होती है, एलिमिनेट होती है साइमल्टेनियसली। ठीक है, और इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं उसे हम लोग, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप कहोगे इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग बहुत ही आसान है। जो यहाँ पे डीई वर्ड लिखा है, डीई का मतलब होता है रिमूव करना। क्या होता है, रिमूव करना। ठीक है, ऐसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए में पढ़ा था, तो डीई जो होता है ना, डीई वहां पे डीऑक्सी लिखा था, डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो कभी भी डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, डीएनए में ऐसा होता है। तो डीई मतलब रिमूव, हाइड्रो, हाइड्रो यहाँ पे लिखा है, और हेलो, हेलोजन ऐसा लिखा है, और एशन यानी नेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या करना है, रिमूव करना है। अगर यहाँ डीई वर्ड नहीं लिखा होता, ओनली हाइड्रो हेलोजिनेशन लिखा होता, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन को यानी HCl को क्या करते, ऐड करते, जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों है। लेकिन यहाँ पे क्या है, DE हाइड्रो हेलोजिनेशन लिखा है, यानी कि हमको ये अभी HCl जैसा कुछ निकालना पड़ेगा, चाहे HCl हो या HBr हो या HIO, इनको हमें अभी रिमूव करना पड़ेगा, और उससे अपने को क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। और यही होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट करते हैं ना, यानी रिमूव करते हैं, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, सीधा कंपाउंड से हम उस चीज को निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो चलिए ये कैसे होता है समझते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर अपने सामने, अल्काइल हैलाइड है ये। कौन सा अल्काइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड है। यहाँ पे एक्स लिखा है, तो कौन सा एक्स है वो अभी पता ही नहीं है। एक्स की जगह में आप सीएल ले सकते हो, बीआर ले सकते हो, आई ले सकते हो। अगर एक्स की जगह में क्लोरीन होता तो ये यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बन जाता। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो इथाइल ब्रोमाइड ये स्ट्रक्चर बन जाता। अगर आयोडीन होता तो इथाइल आयोडाइड बन जाता। इसीलिए मैंने एक्स लिया है, तो ये बन गया अल्काइल आयो, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैंने जो पॉइंट दिखाया है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और बीच में बॉन्ड है, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये शो कर रहा है बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये ध्यान देना अच्छे से, सीधा एलिमिनेट करना है अपने को। तो हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन दोनों एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन होगा ये बीटा वाले से ही एलिमिनेट होगा, और जिससे हेलोजन अटैच होता है वो अल्फा होता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, अल्फा, और दूसरा वाला ये क्या बन जाएगा, बीटा। बीटा वाले से क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका मतलब अल्फा से क्या रिमूव होगा, यहाँ पे अपना हेलोजन। तो यहाँ से हम लोग सीधा बॉन्ड ब्रेक करके हीट प्रोड्यूस करके, और हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन को दोनों को यहाँ पे देखो HX को रिमूव कर दिया। ठीक है, कैसे रिमूव हुआ ध्यान देना, ये H के ऊपर का बॉन्ड, ये X के ऊपर का बॉन्ड, दोनों यहाँ से निकल के और क्या बना देंगे, H बॉन्ड X बाहर रिमूव हो गए। तो फिर यहाँ पे इनका ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे बचेगा ना, ये जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल करके आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रेवल करके आ जाएगा, और देखो ये नया बॉन्ड बन जाएगा। तो ऊपर की जो दो डॉट इलेक्ट्रॉन है वो दोनों यहाँ पे देखो सेकंड वाला बॉन्ड बना देंगे, और इससे पूरा स्ट्रक्चर किसका बनेगा, अल्कीन का। और नीचे के जो यहाँ पे H और X है, यहाँ पे देखो ये ऐसे निकल जाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से। तो कुछ ऐसा इनका रिएक्शन होता है। अभी इसी रिएक्शन को मैं आप लोगों को एकदम बहुत ही अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको बाकी ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान लो आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा कुछ इथाइल यहाँ पे ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने Br अटैच कर दिया, और अपना बाकी यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है। रिएक्शन किया डायरेक्टली, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे मैंने हीट दिया और अल्कोहलिक KOH यूज किया। ओके, सीधा रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एलिमिनेट करना है ना, तो अपने को ये वाला कौन सा कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, तो जो यहाँ पे अपना जिससे Br अटैच यानी हेलोजन, तो वो अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला अपना बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से अपने को क्या रिमूव करना है, बीटा कार्बन से अपने को हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन। तो ये देखो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो गया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया मैंने। तो जो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्या करेंगे, साइड में यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो एच बॉन्ड यहाँ पे एच, और ये ऑलरेडी एक तो बना ही था पहले से, और ये सी और एच, और इधर एच वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। और बाकी के जो यहाँ पे बच गए वो क्या होंगे,
ये एक यहाँ पे आ गया, ये एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ओके। तो ये बन गया अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन, और प्लस यहाँ पे एच बी आर बाहर चला जाएगा, ओके। ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक के ओ एच। तो इसे अच्छे से याद रखना, मैं इसे अभी करता हूँ रिमूव, आपको सारी चीजें हो गई समझ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं इस रिएक्शन को, तो रिमूव नहीं करता हूँ, आप लोग देखते रहो। देखो आपके सामने एक यहाँ पे रिएक्शन दिया है, ये है अपना चार कार्बन है ब्यूटेन, जिसे कहते हैं ब्यूटाइल हैलाइड इसका नाम है, और आईपीएसी नेम 2-ब्रोमो-ब्यूटेन होगा, और कॉमन नेम इसका ब्यूटाइल और हैलाइड, यानी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन अटैच है ना इसके लिए ब्रोमाइड। जिससे बीआर अटैच है उसे अल्फा कार्बन, और उसके अगल बगल वालों को बीटा कार्बन। वो आप नाम दे दो, बीटा वन है बीटा टू है वो आपके ऊपर, आप नाम दे दो, ठीक है। तो इसको इसने नाम दे दिया बीटा वन, इसको बीटा टू दे दिया, क्योंकि रिकॉग्नाइज करना है ना इसके लिए, ठीक है। अल्कोहलिक के ओ एच यूज किया भाई अच्छे से, हीट भी दिया। यहाँ पे दो कंडीशन है, अब ऐसी कंडीशन ये आती है कि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, यहां से हाइड्रोजन निकाला जाए कि यहां से हाइड्रोजन निकाला जाए, भाई किधर से हाइड्रोजन लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों जगह से निकाल लेते हैं, पहले यहां से निकालते हैं फिर यहां से निकालते हैं, और आगे फर्दर क्या होता है सर्कमस्टांसेस हम देखेंगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो अगर जब ध्यान देना, जब मैंने इन दोनों को ऐसे रिमूव किया, इन दोनों को, तो अपने को क्या बनेगा, यहाँ पे आके ये बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन गया, समझा कि नहीं अच्छे से। ये ब्यू टू वन इन बनेगा, देखो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। और फिर जब हमने सेकेंड टाइम पे, ध्यान देना अच्छे से, जब हमने अपना रिएक्शन को सेकेंड टाइम पे इस एच और इस बी आर को ऐसे निकाला, तो देखो जरा यहाँ पे अपना दो बॉन्ड बन जाएगा, जिसे यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन का वो लीव वाला, यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है ये यहाँ जाएगा, और यहाँ का ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बन जाएगा। ये चीज को जितने बार आप हो सके ना रिपीट करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझेगा बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, ये आपको समझेगा। और यही मैकेनिज्म होता है, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन मैकेनिज्म भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा बाकी सारी चीजें, क्योंकि इतना अच्छे से अगर आपने स्टार्टिंग से अपना हैलोजन डेरिवेटिव का देखा ना सारे पार्ट, ये पार्ट नंबर 6 चल रहा है, अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं तो कसम से एकदम आपको सारी चीजें समझेंगी 100%। तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है भाई कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि पहला ब्यूट वन इन है और दूसरा ब्यूट टू इन है, सोच लो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हमने बीटा टू से रिलीज किया तो ये बनता है, बीटा वन से रिलीज किया तो ये बनता है। कौन रिलीज किया, हाइड्रोजन को, बीटा टू से यहाँ पे अगर हम लोग ने बीटा वन से अगर हाइड्रोजन निकाला तो अपने को यहाँ पे ये बनता है, और अगर बीटा टू से निकाला तो अपने को यहाँ पे ये बनता है। तो भाई अभी यहाँ पे चेक करना कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला स्टेबल है, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा। तो इसी चीज को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना ऐसे कंपाउंड में, जो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड दिया है, ऐसे कंपाउंड का अगर हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो कहां से निकालेंगे, ये क्वेश्चन अपने साथ आता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साइंटिस्ट, जो रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, उनका नाम था सेटजेफ। क्या नाम था, सेटजेफ, ओके। तो ये सेटजेफ ने क्या किया, एक रूल दिया जिसे सेटजेफ एलिमिनेशन रूल कहते हैं, ओके। और इनके रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला था इन्होंने कि द प्रिफर्ड प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को हमको प्रिफर करना है। देखो ये दोनों प्रोडक्ट है, ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो प्रिफर्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा, इज दैट अल्कीन, वो अल्कीन, अभी देखो एलिमिनेशन से तो अल्कीन ही बनता है, तो इसीलिए प्रिफर्ड प्रोडक्ट वो अल्कीन होगा जो अल्कीन के पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। देखो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो अगर ऐसा कुछ आपके सामने है तो आप क्या कहोगे, कौन सा इसमें से डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो कभी भी याद रखना ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। तो इन कार्बन से जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप, ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, ध्यान देना बार बार कह रहा हूं अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल कौन सा होता है, जैसे कि हो गया मिथाइल, ओके, जैसे कि हो गया प्रोपाइल, ओके, जैसे कि हो गया इथाइल, ओके, जैसे कि हो गया ब्यूटाइल। ये सब कैसे होते हैं, एक कार्बन कम वाले। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, बॉन्ड सी एच थ्री, ये हो गया मिथाइल। अगर मैं इथाइल का बनाऊं तो सी टू एच फाइव बॉन्ड के साथ, या फिर इसी सी टू एच फाइव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड, ये दोनों एक ही बात होती है। या फिर ऐसी प्रोपाइल, तो सी एच थ्री यहाँ पे बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू, ये बन गया प्रोपाइल ये वाला, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटाइल भी बना लो, मतलब एक यहाँ पे सी एच थ्री कंप्लीट मत करो, बस हो गया, बाकी आपका बनते जाएगा। एक हाइड्रोजन कम मतलब अल्काइल होता है, अब कौन सा अल्काइल, वो आपके ऊपर है।
तो जिस इस डबली बॉन्डेड के पास जिस भी प्रोडक्ट में ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वही हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कंफ्यूजन आपके सामने यहाँ पे ये होगा कि इसमें से ये दोनों अपना क्या हो गया, ये डबली बॉन्डेड हो गया और इधर पे ये वाला डबली बॉन्डेड हो गया। एक बार मैं इसको अच्छे से पूरा हटा देता हूँ और फिर आपको डबली बॉन्डेड वाला समझाता हूँ। ओके देखो, तो यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड है वो कौन सा है, देखो ये वाले जो कार्बन है ये डबली बॉन्डेड है और ये वाले डबली बॉन्डेड इधर है, तो कौन सा सिलेक्ट करूं, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि सेडजेफ ने क्या बोला है कि वही ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास अल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा रहेगा, वो भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, यहाँ पे ये दोनों हो गए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है? ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे इस कार्बन में ये पूरा अटैच है और इसे हम कहते हैं यहाँ पे C2H5 बॉन्ड के साथ, यानी कि ये हो गया इथाइल, एक अल्काइल मिल गया इधर। चलो और इधर बाकी और कुछ मिलता ही नहीं, सिर्फ ओनली यहाँ पे वन अल्काइल मिला। इधर देखते हैं, इधर एक हो गया ये मिथाइल और एक इधर दूसरा मिथाइल, यानी टोटल इधर मिल गए दो अल्काइल। तो किसके पास ज्यादा अल्काइल है? सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली ब्यूट 2-ईन के पास ज्यादा अल्काइल है, यानी कि ये ज्यादा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा? ब्यूट 2-ईन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसे ही आपको सारे रिएक्शन को समझ के रखना है, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्काइल वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता के रखी है, इसे अच्छे से आप लोग कहीं लिख लो जल्दी से। मैं अभी इसे करता हूँ डिलीट, बिकॉज अभी अपने को बहुत सारी चीजें और अपने को समझनी है। तो आप वीडियो में यही अच्छा होता है ऑनलाइन में यार, कि आप लोग ना वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो और फिर से देख सकते हो, सारी चीजों को पीछे करके देख सकते हो। तो देखो, इसने यहाँ पे बोला है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। हाउ? R2 बोल के रखा है, तो एक C से यहाँ पे दो R अटैच है, एक ये R हो गया, दूसरा ये R हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और C, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बोलता हूँ, ये वाला देखो, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक R यहाँ हो गया, दूसरा R ये हो गया कार्बन से, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है एक R और एक हो गया हाइड्रोजन। फिर ऐसे ही इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं और सबका आपको समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। फिर एक ये R हो गया, एक ये R हो गया, फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, फिर लास्ट वाला एक और इसको ही बना लेते हैं और बाकी फिर आप खुद ही समझ जाओगे यार, इतने तो होशियार हो ही, इतने पागल थोड़ी हो तुम लोग। अगर इतने पागल होते तो आप लोग 12th में थोड़ी हो जाते। चलो तो यहाँ देखते हैं, अब ये मैंने चारों स्ट्रक्चर लाइन से बना दिया, चलो समझते हैं सबके बारे में। पहला वाला ये है अपना डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके पास यहाँ पे दो, यहाँ पे इधर अल्काइल है और दो यहाँ पे अल्काइल है, यानी इसके पास टोटल चार अल्काइल हो गया, क्योंकि R का मतलब क्या होता है, बॉन्ड CH3 या बॉन्ड C2H5। जितने भी अल्काइल होते हैं, आप डेकाइल तक चले जाओ, जितने अल्काइल होंगे, अल्काइल और अल्केन में डिफरेंस होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के पहले लेक्चर से बताते आ रहा हूँ। अब तक अगर आपने पूरा देखा है ना, लाइन टू लाइन एक एक चीज अच्छे से सुनी है, ठीक है, तो आपको सब समझेगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पे ये इसमें 4 आ गए, फिर इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। देखते हैं क्यों स्टेबल है, इसमें पहले काउंट कर लेते हैं। इसके पास देखो एक R इधर है, एक R इधर है, R की जगह में आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, चाहे CH3 हो, चाहे C2H5, कुछ भी। और यहाँ पे 3, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 3 हो गए। ओके चलो, इसमें देखते हैं, इसके पास यहाँ पे R, इसके पास यहाँ पे टोटल 2 हो गए, और इसके पास ओनली इधर भी 2 ही है। ओके समझा अच्छे से आपको, तो ये चीजें अभी आपको अच्छे से समझनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके ध्यान देना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके पास 4 था, इसके पास 3 था, इसके पास 2 है और इसके पास भी 2 है। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो फिर ये वाला ही क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है? तो ये आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। ठीक है, दोनों साइड सिमेट्री देखनी होती है, सिमेट्री। इसके पास एक इधर यहाँ पे अल्काइल है और एक यहाँ पे इसके इधर अल्काइल है, लेकिन इस साइड में क्या है, इस साइड में दोनों में एक ही तरफ इधर भी और इधर भी दे दिया अल्काइल, तो यहाँ पे सिमेट्री खराब हो गई ना। तो कभी भी सिमेट्रिकल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये हमने मार्कोनिकॉप्स रूल में पढ़ा था, जो सिमेट्रिकल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दोनों कार्बन के पास, यहाँ पे दोनों कार्बन के पास अल्काइल है, बट यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई अल्काइल नहीं है। तो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आती हो, तो आपको देखना कि क्या मेरे दोनों कार्बन स्टेबल हैं, दोनों के पास अल्काइल है, अगर है तो वो सेडजेफ रूल से सेटिस्फाई होता है, तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना मोस्ट स्टेबल इधर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा, यहाँ पे देखो ज्यादा आपके पास अल्काइल है, क्योंकि सेडजेफ रूल किसी भी सिमेट्री की बात नहीं करता है,
सिमेट्री की बात सेट्जेफ रूल नहीं मार्कोनिकोप्स रूल में होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको मार्कोनिकोप्स रूल के बारे में भी बता दिया है। तो मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग जो सिमेट्रिकल होते हैं बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं स्टेबल, बट यहाँ पे सेट्जेफ रूल क्या बोलता है कि जिस कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा अल्काइल का वेटेज किसके पास है, इस कार्बन के पास है, तो इसीलिए आपको इसको याद रखना है, इसके पास ज्यादा कार्बन है ज्यादा अल्काइल है तो ज्यादा अल्काइल वाला मोस्ट स्टेबल होगा। बाद में देखो इस कार्बन के पास इधर एक ही है और इस कार्बन के पास यहाँ पे एक ही है, तो दोनों के पास एक एक है तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इस साइड में यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी इस पूरे ओवरऑल स्टेबिलिटी जो होगी इस कार्बन की होगी, तो आपको समझना है। और ये वाला तो मोस्टली बेचारे के पास एक ही है तो सबसे कम है, इसमें वन ही आएगा इसलिए ये सबसे कम स्टेबल रहेगा, तो ध्यान रखना अच्छे से। इतना आपको हार्ड कभी पूछेगा नहीं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको ऐड करके बताया है, कभी भी ट्वेल्थ में याद रखना अच्छे से कि आप लोग को फोकस करना है कि वही कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेंगे, ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई तो आप क्या बताओगे किसके पास कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, इधर इसके ऊपर फोकस करना ना कि इसके ऊपर फोकस करना, ओके। और टोटल की बात आएगी तो टोटल थ्री है, वो कोई टेंशन नहीं है, बट आपको फोकस ऐसे ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी रिएक्शन विद मेटल देख लेते हैं कि भाई मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा, मेटल के साथ, ठीक है, ध्यान देना। तो रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल, आप कहोगे एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, तो एक्टिव मेटल पोटेशियम हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया, ये सब एक्टिव मेटल होते हैं जो जल्दी जल्दी रिएक्शंस करते हैं, बहुत फास्ट एक्शन करते हैं, ये तीनों हम एक्टिव मेटल नॉर्मली कहते हैं, और बहुत भी डायमेंशन हो सकते हैं एक्टिव मेटल को पता करने के, तो उसका कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मैंने चार्ट बना के रखा है आपके लिए कि आपको प्रॉपर समझ जाए। तो एक्टिव मेटल के लिए आपके पास सिर्फ तीन रिएक्शंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में और उन्हीं को फॉलो करना है। पहला हो गया रिएक्शंस विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक्टिव मेटल होता है, और दूसरा है वर्ड्स रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शंस ऑफ हैलोवेरीन विद मेटल। ये तीन चीजों पे आपको फोकस करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये जिसके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, थ्री मार्क्स को पूछ लेता है। मुझे अच्छे से याद है मेरे टाइम के एग्जाम में थ्री मार्क्स को पूछा था, थ्री मार्क्स को सीधा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया था इसके ऊपर। फिर आता है वर्ड्स रिएक्शन, और फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ हैलोवेरीन। तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं ना, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछते हैं ये इस वीडियो के बाद में बनाने वाला हूं। कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं पूछेगा डिस्क्राइब वर्ड्स रिएक्शन तो आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो, अरे ना 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 ऐसा नहीं, ना ही ऐसा पूछेगा कि डिस्क्राइब गिव एनी रिएक्शंस विद द मेटल ऑफ मैग्नीशियम, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी, इस ये वीडियो कंप्लीट होने दो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो एक डाल दूंगा, ऐसा आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो बता दूंगा, बट उसके लिए ये कंसेप्ट आपको आना जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये भूल जाओ कि अगर आप इन रिएक्शन को रट्टा मार के जाओगे और वहां कर लोगे तो वहां दूसरा ही प्रोडक्ट बनाने बोलेंगे, दूसरा रिएक्टेंट देंगे आपको। अभी तो 11th में आप निकल चुकी हो तो समझेगा बाद में, जब अभी बताऊंगा आगे वीडियो देखना। तो चलो ध्यान देखते हैं कि रिएक्शंस विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बारे में पहले जान लेते हैं। मैग्नीशियम के बाहर देखो सोडियम का यहाँ पे ओनली वन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, वन वैलेंसी है, मैग्नीशियम की यहाँ पे टू वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है, कभी भी याद रखना, इसीलिए ये बायवैलेंट मेटल है। बायवैलेंट कैसा, बायवैलेंट दो वैलेंसी वाला मेटल होता है ये, ठीक है, इसे याद रखना। यानी कि अगर मैं Mg यहाँ पे रखा हूं तो ये क्या कर सकता है, एक यहाँ बॉन्ड खाली है, एक यहाँ बॉन्ड खाली है, ठीक है, तो यहाँ से कोई और दूसरा आके इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना सकता है। सपोज इधर अगर X यानी हलाइड आ गया और इधर अगर R आ गया तो ऐसा RMgX बन जाएगा, समझा कि नहीं। और आपको पता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिगनार्ड, क्या नाम था, ग्रिगनार्ड, और इन ग्रिगनार्ड ने, नाग नहीं ग्रिगनार्ड, ठीक है, तो ग्रिगनार्ड ने क्या किया, ऐसा कुछ एक रिएक्शन किया, बायवेलेंट मैग्नीशियम का रिएक्शन इन्होंने परफॉर्म किया हेलोजन एंड किसी भी एक अल्काइल के साथ। इन दोनों के साथ जब इन्होंने रिएक्शन किया तो उनको एक ये रिएजेंट मिला, क्या मिला, रिएजेंट, ठीक है, जो कि बायवेलेंट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ था। तो इसीलिए ऐसे रिएजेंट को वर्ल्ड वाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखना, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कैसे बना, यहाँ पे चलो देख लेते हैं। तो आर बॉन्ड एक्स, इधर है Mg, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर की प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन किया और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, जस्ट यहाँ पे ध्यान देना R बॉन्ड इधर MgX ऐसा है, ओके, देन Mg इधर है जिसके पास यहाँ पे दो ये इलेक्ट्रॉन रहे,
ये इलेक्ट्रॉन रहे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद ये बनेगा आर बॉन्ड, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ये बनेगा एक्स, ऐसे कुछ, ओके। एंड देन उसके बाद ये Mg बीच में आएगा और ऐसा रिएक्शन बनाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से। ये बन गया R बॉन्ड MgX, मतलब ये MgX जो है ये बीच में जाएगा, ठीक है। MdH की बात नहीं कर रहा हूं, MdH, ठीक है, MgX, R बॉन्ड MgX, ओके। तो इसे तुमको अच्छे से याद रखना है, इसे ही कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर एम जी एक्स जिसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, अगर R के जगह में यहाँ पे सी एच थ्री बॉन्ड एम जी एक्स आ गया तो हम इसे कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, X के जगह में अगर Cl ले लिया तुमने तो हम कहेंगे अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे अगर Cl आ गया तो हम कहेंगे अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, Br आ गया तो अल्काइल यानी कि मिथाइल है ना, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ऐसे आप R के जगह में रख के नाम ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसका काम क्या है तो कभी भी याद रखना, अल्केन के प्रिपरेशन के लिए, क्या प्रिपेयर करने के लिए, अल्केन के प्रिपरेशन यानी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछा प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो, या फिर बोला प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारा यहाँ पे ऐसे इसके रिएक्शन पूछता है, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन में ज्यादा क्या होता है, सीधा सीधा हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम मेटल, सीधा याद रखो। वर्ड्स रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें हम सीधा एकदम मेटल यूज करते हैं, और ये हमेशा हायर अल्केन बनाने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। कैसा हायर अल्केन, अभी आपको समझेगा, आप चौंक जाओगे, एकदम फॉर्चुनेट, ऐसा मतलब ऐसा रिएक्शन रहेगा ना इसका कि आपको अजीब लगेगा, देखना कैसे, ठीक है। चलो फिर रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन विद मेटल, तो हेलोएरिन बोल के रखा है ना यार, हेलोएरिन मतलब क्या होता है पता है ना, बेंजीन वाला, उसका रिएक्शन अगर मेटल से होता है, यही सोडियम मेटल से, तो उसका रिएक्शन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, इसके अंदर एक आता है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, रिएक्शन का नाम याद रखा करो यार, इतना ट्वेल्थ में करोगे नहीं तो फिर क्या करोगे। तो वर्ड्स फिटिग 50 बार नहीं तो 10 बार जरूर बोलो, कभी भी कोई चीज याद नहीं होती ना, जितने बार गालियां देते हो दिन में उतने बार ये वर्ड्स फिटिग रिएक्शन दे डालो, नाम दे डालो, बोलो यही गाली है, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, खत्म, याद हो जाएगा अपने आप। तो ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, जिसको याद नहीं होता है तो मजे भी आएंगे और याद भी होगा, ठीक है। बाकी आप जानो, मैं तो सीधा याद कर लेता हूँ, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, लाइन वाइज सारे रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन आपको सीधा समझना है बिकॉज कंसेप्ट ज्यादा है, तो नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रिएक्शंस है ना यार, इनको समझाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन से क्या नोट्स बनाऊं मैं, मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दे दिया आपको कैसे याद करना है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझो कि ये कैसा है, मतलब जो भी चीजें ये कैसी हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। चलो तो रिएक्शंस विद मैग्नीशियम, ये आपका रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ, तो देखो यहाँ पे जरा आर बॉन्ड एक्स और एम जी है, इससे बन गया अपना आर एम जी जिसे हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यही, और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो अगर किसी ने पूछा हाउ टू प्रिपेयर, क्वेश्चन पूछा हाउ टू प्रिपेयर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये वाला रिएक्शन करके बता देना, खत्म कहानी, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, भूलना नहीं इसको। हो गया रिएक्शन अपना हाउ टू प्रिपेयर ग्रिगनार्ड रिएजेंट और अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया प्रिपेयर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्वेश्चन पूछ लिया तो इथाइल C2H5 बॉन्ड मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रोमाइड बन गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे बनाना है तो क्या लोगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और प्लस और इथाइल बोला है ना, तो क्या करोगे C2H5 बॉन्ड, यहाँ पे Br लेना पड़ेगा, वाई C2H5 Br, बिकॉज यहाँ Br चाहिए ना, और बीच में Mg और यहाँ C2H5 है, और यहाँ पे अपना ड्राई इथर, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको रिएक्शन करना होगा, ठीक है, ऐसे ही बोलता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है प्रिपेयर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्रॉम दिस एंड दिस, तो आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज आप निकाल लोगे, ओके। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यहाँ पे अभी हम लोग रिएक्टिव कंपाउंड होता है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, याद रख लो इस चीज को, और ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, तो ये भी याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स भी ये कंटेन करता है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना, बाकी वही कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। तो अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ किसी अल्कोहल का रिएक्शन करें, अभी ये मीथेनॉल है ना, तो अल्कोहल हो गया,
तो अगर इसका रिएक्शन आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हाउ, कैसे, तो चलो देख लेते हैं अच्छे से। R बॉन्ड Mg बॉन्ड X प्लस, यहां पे ध्यान देना, CH3 बॉन्ड यहां पे OH ऐसा दिया है। और आपको यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है, ये CH3 आपको यहां पे बनाना है हाइड्रोकार्बन। मैंने पहले ही बोला था कि ये अल्केन बनाने के लिए यूज होता है, अल्केन। तो ये R बॉन्डेज क्या है, अल्केन ही है ना, क्योंकि R मतलब CH3 हो गया और H मतलब CH4 यानी मीथेन बन गया, समझा कि नहीं। तो आपको ये मीथेन बनाना है। अब आप कैसे बनाओगे ये आपको समझना है, तो ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। चलो तो ये आप देखो कैसे बनाओगे, तो ये जो Mg है, यहां ध्यान दो Mg, और इसके पास ये X है और OCH3, यहां पे फोकस करो आप लोग, ये यहां पे एक मिनट मैंने ये किया, ये R है अपना और इस CH3 में ध्यान देना, ये CH और O ये साइड मैंने निकाल लिया, तो Mg से अगर जब मैं R को ब्रेक करूंगा तो यहां पे एक बॉन्ड खाली रहेगा ना, तो यहां पे जो O है ये O आके इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये यहां पे CH3 बन गया, ठीक है, और इसके दूसरे साइड में X अटैच है, और बचा क्या, ये H जो कि किधर अटैच हो जाएगा, जाके R के साथ, तो R बॉन्ड H बन गया, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये ऐसे कुछ रिएक्शन इसका फॉर्म होता है। आप कहोगे कुछ उल्टा ही दिख रहा है ना, तो इसको अच्छे से एक बार करके दिखा देता हूं, जिसको आपको, जिससे आपको समझ जाए, ओके। ध्यान देना अच्छे से, फिर से मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और छोटा कंसेप्ट है, जिससे कि आपको सारी चीजें समझती जाए, बहुत ही मजा आएगा। R R बॉन्ड Mg बॉन्ड X है प्लस, मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं, अब आपको और अच्छा समझेगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो यहां से बॉन्ड होगा ब्रेक, यहां से देखो, यहां से अभी ये जो H है ना, ये H को भी अपने को करना है, निकालना है साइड में, और ये जो O यहाँ पे CH3 है, ये इसके साथ, ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ अटैच होगा। अब आपको समझ रही होगी बात, ठीक है, ये रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, ध्यान देना। प्लस Mg और इसके साथ X तो अटैच ही है, और यहाँ पे ये आके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन अटैच है, CH3, तो ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो आके अटैच हुआ है, ठीक है। और ये जो H बचा, ये H किसके साथ, R के साथ जाएगा, और R बॉन्ड H बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया R बॉन्ड H, ठीक है। तो ऐसे इसका रिएक्शन होता है, ऐसे ये भी सेम सेम, बाकी और कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो रिएक्शंस विद मैग्नीशियम हो गया, इसके जब मैं रिएक्शंस करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अभी वर्ड्स रिएक्शन के पास आते हैं। वर्ड्स रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, चलो ध्यान देना। इसमें अल्काइल हैलाइड विद मेटल, बहुत ही आसान सा रिएक्शन होता है, चलो देख लेते हैं फटाफट। टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे आपको R बॉन्ड X यूज करना है। देखो क्यों यूज करना है, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। R बॉन्ड X आपके सामने है ही है, R बॉन्ड X, और यहाँ पे मैंने यूज किया मेटल सोडियम, बट सोडियम मेटल अकेले Na नहीं होता है, Na2 होता है। तो जब यहाँ पे Na2 है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी टू टाइम्स लेना पड़ता है, इसलिए ये सभी के सभी टू टाइम्स आए हैं। तो ठीक है, डरने का नहीं कि दो बार ही क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना है इसके लिए, ठीक है। चलो तो R बॉन्ड X, R बॉन्ड X दो बार है, सोडियम सोडियम ये भी दो बार है अपना, यहाँ पे दो बार आपको ऐड करना है, इसे अच्छे से फोकस रखो, ओके। चलो अब रिएक्शन करते हैं, तो ये ध्यान देना अच्छे से, ये जो X है और ये दोनों सोडियम है, जो ये दोनों के दोनों एक साथ बाहर निकल जाएंगे, और ये जो आर आर है, ये आर आर अपने को एक एलिमेंट मिल जाएगा, और ये एन ए एक्स बाहर चले जाएंगे टू टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे आर आर अपने को मिल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन होता है, मतलब देखो हुआ क्या है, जादू कैसे, अगर आपको किसी ने बोल दिया, ध्यान दो इसमें दो दो अल्काइल आ गए ना, समझा कि नहीं अच्छे से। अगर आपको किसी ने भी बोल दिया कि प्रिपेयर, ध्यान देना अच्छे से, प्रिपेयर इथेन, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, अब आपको दिमाग एकदम चकरा जाएगा। पूछा है इथेन जिसमें दो कार्बन होते हैं, और बनाना है एक कार्बन से जिसका नाम है यहाँ पे H3CCl, इससे अपने को डबल कार्बन वाला बनाना है, तो आप टेंशन में नहीं आ जाओगे, बट टेंशन में नहीं, सॉल्यूशन कहाँ पे है, सॉल्यूशन है अपने वर्ड्स रिएक्शन के पास। वर्ड्स रिएक्शन क्या बोलता है, फटाफट इसको अभी यहाँ पे डिलीट करके मैं हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान से, बहुत लोगों को समझ भी गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देते फटाफट, क्या करेंगे, टू टाइम्स ऑफ, क्या लेंगे, टू टाइम्स लेंगे किसका, H3C बॉन्ड Cl का,
क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्शन करना है, सोडियम Na2 होता है। इसी को थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं रिएक्शंस को, अभी आपको समझ जाएगा। H3C बॉन्ड Cl, इधर भी H3C बॉन्ड Cl, और यहाँ पे NaNa, ठीक है, और ये निकल जाएगा NaCl, ठीक है। ये देखो NaCl 2 times गायब, क्योंकि ये एक बार हो गया और ये दूसरी बार हो गया, 2 times बाहर हो गया, और यहाँ पे अपने को मिल गया H3C बॉन्ड, यहाँ पे देखो CH3 H3C, आप कैसा भी लिख सकते हो। तो ये बन गया ना इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। तो देखो एक कार्बन से कैसे आपने डबल कार्बन वाला बना लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वर्ड्स रिएक्शन में। इतना ही नहीं, आप लोग और भी कितना ही बना सकते हो, डबल ट्रिपल आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। जिसे ब्यूटाइल बोल दिया तो आपको प्रोपाइल से बना सकते हो। तो ये सारा लॉजिक है, क्योंकि कंसेप्ट तो सबको समझ आता है, बहुत आसान है, लॉजिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉजिक लगा पाते हो क्या, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे चलो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो जरा यहाँ पे ब्यूटेन बना के रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या ले लिया, 2 times इसने इथाइल लिया। अब सोचो यही अगर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में पूछ लिया कि प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, आपको चक्कर आ जाएगा, बोलोगे भाई ब्यूटेन में 4 carbon होते हैं और बोला इथाइल में जिसमें 2 carbon होते हैं, कैसे पॉसिबल है, रॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में आपको फ्री मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको वर्ड्स रिएक्शन याद आना चाहिए, और वर्ड्स रिएक्शन में यहाँ पे आप 2 times ले सकते हो, 2 times आप लोग ले सकते हो इसको, और यहाँ पे 2 times Na से रिएक्शन करा के आपको ब्यूटेन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही रिलीज करना यहाँ पे 2 Na, और ये Br देखो यहाँ पे 2 times ऑफ NaBr गायब करोगे, और C2H5 क्या होता है, C2H5 का मतलब CH3 बॉन्ड CH2 होता है, यही होता है, ये है अपना C2H5, ठीक है। तो डरने का नहीं, ये रिएक्शन आप आराम से कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ भी देखो सारे रिएक्शन है, आप इन्हें भी सेम परफॉर्म करो, आप देखो यहाँ पे सेम परफॉर्म करो सोडियम के साथ, आपको रिएक्शन का आंसर मिलेगा। ओके, तो ये भी बहुत आसान है, वही चीज है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन विद मेटल, ये देख लेते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल का ही बट हेलोएरिन के साथ, अच्छे से याद रखना इसको, बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन के ऊपर फोकस करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कैसे इसका रिएक्शन होता है, बहुत ही आसानी से इसका रिएक्शन होगा और बहुत मजा भी आएगा आपको करने में, बहुत आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होएगा इसका रिएक्शन। ओके, चलो तो ये है अपने पास बेंजीन, ये हो गया अपने पास बेंजीन। ओके, यहाँ पे अटैच है Br, और ये रहा अपना ऐसा कुछ बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन जिसको कहते हैं। यहाँ पे अटैच किया है CH3 बॉन्ड Br प्लस 2 times ऑफ Na, और वही रिएक्शन ड्राई इथर के साथ करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे ड्राई इथर आपको डालना है, याद रखना अच्छे से, वर्ड्स रिएक्शन आया यहाँ ड्राई इथर डालना ही होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये तो याद नहीं करोगे तो फिर कोई काम ही नहीं है फिर, ठीक है। तो इसको याद करना ही पड़ेगा। ओके, चलो अभी ध्यान देना यहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे, और देखो यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ के हर जगह पे हाइड्रोजन ही रहता है, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन होता है और आगे आपको काम आएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन गायब करके ब्रोमीन बन गया है, ठीक है। चलो हर जगह हाइड्रोजन रहता है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ 2 times ऑफ Na है, यानी Na बॉन्ड Na ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब आपको फोकस करना है, तो ये यहाँ पे Na का इलेक्ट्रॉन, Na का इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो यहां से अभी आपको ध्यान देना, एक Na और ये एक Br, इधर से दूसरा Na और यहां से ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करके, और ये यहां से दूसरा Br, ये दोनों क्या होंगे, 2 Na 2 Br, यहाँ पे देखो गायब हो गया, 2 Na Br यहां से गायब हो गया। ओके, ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इसके पास यहाँ पे गायब हुआ बॉन्ड, तो ये सिर्फ CH3 बचेगा और ये CH3 यहाँ पे आके अटैच होगा, समझा कि नहीं अच्छे से, क्योंकि जहां से Br जाएगा वहां पे CH3 आके अटैच हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो CH3 है ये फिलहाल यहां नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में यहां होना चाहिए। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग कर दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो ये Br यहाँ अटैच होना चाहिए, अगर ये Br यहाँ होता तो फिर ये CH3 यहाँ पे आके अटैच होता, यहाँ पे आके अटैच होता, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज Br अपना यहाँ पे है। तो सिंपल सा आपको भी ये पता है कि Br जहां से जाएगा वही ना CH3 आके अटैच होगा, बाकी जो 2 Na Br गायब हो गया, समझा कि नहीं। तो वो भी टॉल्यून है, ये भी टॉल्यून है, टॉल्यून ही है, बस ऐसे फॉर्मेशन हुआ है, बस आपको इसको याद रखना है। तो कैसे रिएक्शन हुआ एक बार रिवाइज करो, रिवाइंड करके फिर से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिटिग रिएक्शन। अब ध्यान देना फिटिग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फिटिग रिएक्शन भी एकदम सेम वर्ड्स रिएक्शन जैसा होता है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा इथाइल या फिर मिथाइल यानी अल्काइल हैलाइड बीच में यूज नहीं करते, जिसे हमने यहाँ पे सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड को भी यूज किया है, तो यहाँ पे ऐसा हम कुछ यूज नहीं करते। सीधा सीधा
हम लोग अल्कोहल को ही यहाँ पे अल्कोहल या फिर कोई भी चीज यानी सोडियम है अपना, तो सोडियम को ही हम लोग क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरीन के साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है ये क्लोरीन से सीधा अटैक करता है। जब कभी भी कोई मेटल किसी भी अराइल हैलाइड में, वो भी कौन सा अराइल हैलाइड, याद है ना, अराइल हैलाइड क्लोरो हैलाइड हो यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हो, कोई भी हो, और उसको सीधा अपना अगर यहाँ पे मेटल अगर सीधा अटैक करता है उसके ऊपर, तो उसको हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसे अच्छे से आपको याद रखना है, वो होता है फिटिग रिएक्शन। कैसे हुआ ये रिएक्शन, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देख लो, ये है अपना बेंजीन, ध्यान देना जैसा टेक्स्ट बुक में आपके दिया है वैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने सीधा सीधा टेक्स्ट बुक का यहाँ पे देख के बताया है आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और प्लस टू एन ए यहाँ पे है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे टू एन ए है तो यहाँ भी टू टाइम्स यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में कोई टू टाइम्स दिया ही नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना ये टू टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि एन ए बॉन्ड एन ए है, कुछ ऐसा है आपको समझ के रखना है। अब ये क्लोरीन के पास भी यहाँ पे ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसके पास ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आपको समझना है अच्छे से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सी एल, अभी देखो दो टाइम्स ऑफ यहाँ पे है ना, तो एक बार यहाँ पे ये सी एल चला जाएगा, और दो बार ना आप ये टू टाइम्स है, जब टू टाइम्स है तो एक बार एन ए और दूसरी बार फिर से दूसरा एन ए और दूसरा सी एल जो यहाँ पे रहेगा वो दूसरे वाले के चला गया, जब गायब होगा ऐसा तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो दोनों अटैच हो जाएंगे। ध्यान देना अच्छे से, जैसे यहाँ पे ये बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, तो अगर मान लो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, यहां से मैंने सीएल निकाला और यहां से सीएल निकाला, तो फिर इन दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाएगा ना ऐसा, तो यही तो देखो यहाँ पे बना है, समझा कि नहीं, जिसे हम बाय फिनाइल कहते हैं, और टू एन ए सी एल यहाँ से गायब हो गया, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसको एक बार फटाक से और समझ लेते हैं, मैं दो बार लेके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, ध्यान देना, तो अभी इसके थोड़ा सा मैं ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा जिससे कि आपको पूरी चीज समझ जाए। ठीक है, देखो तो ये भी अपना बेंजीन ही होता है, फिर ऐसे ही यहाँ भी एक मैं बना लेता हूँ, ये है क्लोरोबेंजीन, और अकॉर्डिंग टू फिटिग, क्या बोलते हैं फिटिग, कि यहाँ पे अपने पास कोई भी अराइल हैलाइड है तो मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ले लिया अच्छे से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का मैंने रिएक्शन किया किसके साथ, सोडियम के साथ, ये देखो यहाँ पे मैंने दो टाइम्स ऑफ सोडियम ले लिया, ये जो यहाँ पे रिएक्शन है इसी को कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो सीएल है और ये यहाँ पे एनए निकल जाएगा, और ये सीएल है ये एनए निकल जाएगा, तो अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या बनने वाला है, तो आपको क्या बनेगा, कुछ ऐसा आपको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला, ये दूसरा अटैच होके कुछ ऐसा बनेगा, अब आपके दिमाग में समझ गई होगी सारी बातें। ठीक है, तो ऐसा ये हो गया बायफिनाइल, और प्लस यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ एनएसीएल गायब हो गया, समझा कि नहीं, तो ऐसा रिएक्शन हुआ है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो यही चीज यहाँ पे बस आपकी टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लेक्स है, तो ये होता है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, तो ये है अपना वर्ड्स फिटिग रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें सोडियम और अल्काइल हैलाइड यानी अराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हुआ है। तो कभी भी फिटिग रिएक्शन की अगर बात आई तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या यूज होता है, हमेशा देखना अराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है यानी बेंजीन के साथ रिएक्शन होता है विद मेटल, यही होता है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, और अगर वर्ड्स फिटिग रिएक्शन बोल दिया, कंफ्यूजन मत होना, फिटिग रिएक्शन बोला तो ओनली एंड ओनली आपको यहाँ फोकस करना है सोडियम और अराइल हैलाइड पे, और अगर वर्ड्स फिटिग रिएक्शन बोल दिया तो आपको यहाँ पे ध्यान देना सोडियम भी लेना है, अराइल हैलाइड भी लेना है, उसके साथ अल्काइल हैलाइड को भी यूज करना है जिसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, समझा कि नहीं अच्छे से। तो याद रखना वर्ड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में फोकस। ठीक है, तो फिटिग रिएक्शन में कभी भी याद रखना ये जो यहाँ पे यूज हुआ है अल्काइल हैलाइड वो यूज नहीं होता है। ठीक है, फिटिग रिएक्शन में, बट वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी यूज होगा। ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट याद रखना, यही दोनों में डिफरेंस था। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन का देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करता है और sp2 हाइब्रिड स्टेट के ऊपर। sp2 कौन होते हैं, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, और इन्हीं का रेजोनेंस करना, तो आपने देखा ही होगा जो भी बेंजीन होता है, ऐसा बेंजीन है अगर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बेंजीन है, तो ये वाला कार्बन जो हो गया, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, फिर ऐसे यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, तो ये देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो ये सब के सब कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इन्हीं के स्टेट का हम लोग रेजोनेंस करते हैं, इसी के ऊपर इफेक्ट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लेते फटाफट ये रेजोनेंस, बहुत ही सिंपल है, देख के डरना नहीं, थोड़ा सा वीडियो देखो सब समझ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो समझते हैं अच्छे से। पहली बात समझने से पहले एक बात बता दूं, जो यहाँ पे ऐसा दो बॉन्ड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन लिखा है,
ये दो इलेक्ट्रॉन को आपको क्या समझना है, एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड समझो, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड समझो, एक बार में ये मूव होगा। और एक बात और बताता हूं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ये दोनों चल के जिसके पास जाएंगे वो माइनस बन जाएगा, और वो माइनस क्या रहेगा यहाँ पे, एक बॉन्ड रहेगा, इसको भी फोकस करना। दूसरी बात बताता हूँ, दूसरी बात याद रखना अच्छे से, जब भी कभी भी अगर यहाँ पे छोड़ के गया तो यहाँ प्लस बन जाएगा और जिसके पास जाएगा वो माइनस बन जाएगा, ये भी याद रखना ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, और निगेटिविटी जब किसी को छोड़ के जाएगी जिसको लीव किया है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जिसके पास गया है वो निगेटिव बन जाएगा। तो ये चीज के ऊपर याद रखना और स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, हम क्लोरोबेंजीन लिए हैं, ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इस क्लोरोबेंजीन का हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, मैकेनिज्म है छोटा सा, इसको समझ लो, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन है और इसको आप एक बॉन्ड समझो ठीक है, और जब ये बॉन्ड यहां से ट्रेवल करेगा, ये आपका एक बॉन्ड है, और जब ये बॉन्ड ट्रेवल करेगा तो इसने एरो दिखाया, यहां आ जाएगा यहां पे, ये देखो यहां पे आ गया, देखो यहां पे कैसा, यहां पे दिया है ना, डबल बॉन्ड बन गया। और जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो जो अपना ये कार्बन है यहाँ पे, जो ये कार्बन देके रखा है, ये कार्बन अभी बैलेंस था, बैलेंस नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे उसी टाइम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आ जाएंगे। समझा कि नहीं अच्छे से आपको, क्योंकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो देखो यहां, अब देखो क्लोरीन से दो इलेक्ट्रॉन ये निकले थे तो यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो बॉन्ड था देखो यहाँ पे आ गया, देखो ये दोनों बॉन्ड बाहर निकल के आ गया। समझा कि नहीं अच्छे से, अब क्या होगा, अब वो बॉन्ड निकल के इसके पास आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे मैंने एरो किया है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, तो जब वो वहां पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, तो ये वाला निकल के यहाँ पे निकल के आ जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से, तो देखो इसके पास आया तो यहाँ पे माइनस साइन बन गया, और यहाँ पे जब माइनस साइन बना तो अब क्या होगा, तो अब फिर से कुछ नहीं, जब ये यहाँ पे आया है बॉन्ड तो ये यहाँ पे आया तो ये माइनस साइन अभी इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड ट्रेवल करके यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ माइनस साइन बनेगा, देखो यहाँ बन गया माइनस साइन। तो आपको ये फ्यूचर में सोचना है ठीक है, और फिर जब यहाँ माइनस साइन आएगा तो अब ये ट्रेवल करके आगे जाएगा, तो जो ये वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, ये ऑलरेडी ट्रेवल करके दूसरे जगह चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन था वो हटके अभी प्लस साइन बन जाएगा, और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो उसी टाइम पे जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वापस ट्रेवल करेगा और यहाँ आ जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से, तो यही चीज बार बार चलती रहती है, और इसके टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने ठीक है। सभी के सभी इक्वल होते हैं, कोई भी किसी में डिफरेंस नहीं होता, बस देखो जरा यहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन एकदम अलग था, यहाँ पे अलग हो गया है ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, बाकी कोई सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ हुआ ही नहीं, बस बॉन्ड का यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, बस बॉन्ड चेंज हुआ है ठीक है। तो इसी चीज पे आपको फोकस करना है, बस और बस सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड चेंज हुआ है। तो फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है ठीक है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये ट्रेवल करके यहाँ आया, यहाँ पे आ गया, उसी टाइम पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहाँ पे देखो आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया है, बस आपको आगे वाले में फोकस रखना है ठीक है। मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, आगे वाले में देखो यहाँ देखते रहो, इधर आ गया और यहाँ पॉजिटिव बन गया नेक्स्ट स्टेप में, और जब ये यहाँ पे आया तो जो अपना बॉन्ड था, तो यहाँ का बॉन्ड अभी गायब होकर इधर जाएगा ना, देखो तो यहाँ पे अभी माइनस साइन आ गया, देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा थर्ड वाले स्टेप में ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इधर आ गया था ना, देखो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके, समझा कि नहीं, और ये वाला बॉन्ड यहाँ रहेगा। अब ये भी जब आगे ट्रेवल करके जाएगा, यानी कि ये अभी देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया ना, जब यहाँ पे आएगा तो इधर वाला बॉन्ड आगे ट्रेवल करके जाएगा, और जब इधर वाला बॉन्ड देखो आगे ट्रेवल करके आया तो ये वाला मूव होगा, ये वाला मूव करके आगे जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से, तो ऐसे ही इसी वीडियो को बार बार जरा देखो, रिवाइंड करके आपको समझ जाएगा ठीक है। यही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, आपको पता ही है ना, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दिखाया है, आपने पहले वीडियो देखी नहीं तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी गलती है वो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन से हेल्दी भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज भी बनाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। तो देखो ये सीधा सा एकदम रिएक्शन है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। कभी भी आपको अगर किसी ने बोला प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम क्या, कहां से, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यानी कभी भी क्लोरीन को हटाना है अल्कोहल से, सीधा एकदम लर्न कर लो कि NaOH एट 433 केल्विन टेम्परेचर H3O यानी हाइड्रोनियम आयन यूज करो और क्लोरीन के जगह में OH डाल दो, खत्म। अब आप बोलोगे ठीक है ये रिएक्शन हुआ कैसे,
तो ध्यान देना अच्छे से, ये Cl है और यहाँ पे NaOH है, ठीक है, फोकस करना। NaCl, NaCl गायब हो गया, बचा था यहाँ पे OH, ये H का यहाँ पे ये H3O था ना, H3O था, तो ये H यहाँ पे आएगा, बन जाएगा ये, ध्यान देना, H यहाँ पे H4O यानी कि 2 टाइम्स ऑफ H2O निकल जाएगा, बाहर बाहर भाग गया, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, ये जो OH था, ये यहाँ पे रिलीज होके चला जाएगा। हाइड्रोनियम आयन जस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए आया था और बाकी कुछ नहीं, एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ था। तो NaCl गायब और OH जाके वहां पे अटैच हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, जल्दी से समझ लेना, H4O नहीं भी बनेगा, बन भी सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी रिएक्शन के ऊपर। तो NaOH है, NaCl गायब हो गया, ये OH जाके उसकी जगह में बैठ गया, समझा, बन गया यहाँ पे OH, इतना सिंपल सा रिएक्शन। सेकंड, यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है कैटलाइज करने के लिए होता है एज अ कैटलिस्ट। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, प्रिपेयर पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे नाइट्रोफिनॉल, पी मतलब पैरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन फटाक से देखते हैं, ये भी न्यूक्लियोफिलिक ही है, यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे OH आ गया है, बोलेगा प्रिपेयर 2,4 डाई नाइट्रो, ये 2 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, 2,4 डाई यानी 2 नाइट्रो मतलब NO2 नाइट्रोजन वाला, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रो फिनॉल, पूरा फिनॉल का स्ट्रक्चर है, OH है ना, ये फिनॉल है, ये पूरा का पूरा ये है अपना फिनॉल, ठीक है, इसे फिनॉल कहते हैं, ये पूरा फिनॉल है, ठीक है। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल में दूसरे और चौथे नंबर में नाइट्रो है, प्रिपेयर कहां से, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से बनाना है, क्लोरोबेंजीन से, ये पूरा का पूरा क्लोरोबेंजीन है। तो आपने आप यूज किया है Na2CO3 एट 403 केल्विन टेम्परेचर, आपको याद करना पड़ेगा, ये कुछ भी हो जाए ये टेम्परेचर लर्न करना पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं है इसका कि आपने इतना ही टेम्परेचर क्यों यूज किया है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई एक आपके सामने इंसान है और उसको आपने अगर समझ लो 4 मुक्के अगर मारे और 4 मुक्के में मर जाता है, तो उसकी एबिलिटी है ना, तो वैसे ये 403 केल्विन टेम्परेचर में ब्रेक होता है यहाँ पे बॉन्ड, तो उसकी एबिलिटी है, तो वो टेम्परेचर आपको लर्न करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो Na2CO3 यहाँ पे यूज करो और यहाँ से NaCl गायब करो और OH यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो ये रिएक्शन अपना सिंपल सा है, Cl के जगह में OH आ गया, सीधा सीधे से सीधा एकदम, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे OH ला दो सीधा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जा सकता है ये वाला, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम 2,4 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इतने बड़े बड़े नाम आपने लाइफ में कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Cl के जगह में यहाँ पर भी OH सीधा आ गया, बस नाइट्रोजन का नंबर बढ़ते जा रहा है, बाकी उससे कुछ नहीं है। और जैसा जैसा नाइट्रोजन का नंबर बढ़ा वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, पहले हमने लिया था 433, फिर हमने लिया 403, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे वार्म किया, जस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्लस वाटर के साथ, दिखाता हूँ फिर से सारे रिएक्शन। पहले देखो 433 केल्विन टेम्परेचर ओनली सिंगल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर देखो यहाँ पे डबल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 403 केल्विन पे आ गए, और जब 3 लिया तो देखो टेम्परेचर कम हो गया, ये ट्रिक है याद करने का, इसे याद कर लो। और क्लोरीन की जगह में आपको OH रखना है, यानी क्लोरोबेंजीन से, ये क्लोरोबेंजीन से बनाना फिनॉल है, लेकिन टेम्परेचर के लिए याद रखना 433, फिर 30 कम करो और फिर एकदम कम। तो पहले देखो जब एक नाइट्रोजन तो 433 था, फिर उसके बाद 403 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ वार्म दिया और रिएक्शन डन, समझा कि नहीं। तो ये था अपना सिंपल सा रिएक्शन। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इसके पहले किसका देखा था, न्यूक्लियोफिलिक का। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पार्ट नंबर 5 में बनाया है, जाओ देख लो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है आपको पता ही है, अराइल हम लोग बेंजीन को कहते हैं, कितने बार बताऊं, ठीक है, बहुत बार बता चुका है, अराइल मतलब बेंजीन। कब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड खाली रहेगा तब, अगर यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया तो ये बन गया अपना फिनाइल क्लोराइड, ठीक है, फिनाइल क्लोराइड बोलो या फिर आयुपैक नेम बोल दो क्लोरोबेंजीन, तो आप कुछ भी कह सकते हो, आपके ऊपर है, आयुपैक नेम लो या कॉमन नेम लो, ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो यहाँ पे पहला है रिएक्शन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, क्या होता है हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। देखो तो Cl बॉन्ड Cl अटैच कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इसके एक H है और यहाँ भी इसके एक H है, बिकॉज अगर मान लो मैंने आपके सामने कोई भी एक बेंजीन बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो कोई भी बेंजीन हो, कोई भी बेंजीन हो, ठीक है, ये एक बेंजीन है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ये एक आपका बेंजीन है कोई भी हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये सब खाली रहते हैं, दिखते नहीं है, हम दिखाते ही नहीं कभी, यह हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन ये वाले बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में ऊपर यहाँ पे क्या आ गया है, इसके जगह में
उसके जगह में यहाँ पे हमने Cl ले लिया है। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना, और हमने क्या यूज किया, Cl बॉन्ड Cl, ये निकल गया HCl और ये निकल गया दूसरा HCl। देखो जरा अच्छे से, तो यहाँ पे एक Cl और एक यहाँ पे दूसरा Cl। तो कभी भी याद रखना, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है तो ये एक बार मेटा यहाँ पे ऑर्थो में अटैक करता है और दूसरी बार ये पैरा में अटैक करता है। तो कभी भी याद रखना, ऑर्थो और पैरा, ये दोनों चीज में फोकस करना। तो एक बार देखो कहाँ पे बना, यहाँ पे, और दूसरी बार कहाँ पे बना, पैरा में बना, समझा कि नहीं। तो पहला बना 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन और दूसरा डाइक्लोरो, यहाँ पे जो बेंजीन है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो कभी भी याद रखना, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है ना, ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। और यहाँ पे बस आपको इतना देख लो कि लेविस एसिड यूज करना है लाइक FeCl3। आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में आपको मैंने बताया अनहाइड्रस FeCl3 लेविस एसिड होता है, ठीक है, और Cl2 यूज किया है। जस्ट यहाँ पे दो रिएक्शन मिलेंगे, एक पैरा के लिए मिलेगा और एक यहाँ पे ऑर्थो के लिए मिलेगा। ऑर्थो यहाँ पे पैरा वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है और ऑर्थो वाला कम स्टेबल होता है। तो इसे अच्छे से याद रखना, ये था हेलोजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही ऐसा होता है। दो दो अभी आपको सब दो ही मिलने वाले, ध्यान देना, सब में दो प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी देख लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HNO3 यूज किया, HNO3 को कभी भी आप इस नजर से देखना, HNO3 यही होता है, यही है अपना HNO3, ध्यान देना अच्छे से, कभी भी HNO3 दिया ना, यही समझने का, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे एक H हो गया और एक यहाँ पे H हो गया, तो ये HO और ये H2O गायब हो गया, तो क्या NO2 आके उसकी जगह में अटैच होगा। जरा देखो, जरा यहाँ पे देखो, NO2 आके अटैच हो गया, फिर दूसरा पैरा में अटैच हो गया, देखो यहाँ भी NO2 अटैच हो गया। टू टाइम्स आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दो बार यूज किया ना, और कंसेंट्रेटेड H2SO4 उसके साथ लेना ही पड़ेगा। आप ये मत बोलना क्यों लिया है, बिकॉज रिएक्शन को कैटलाइज करना है तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेना ही पड़ेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हमेशा इस नजरिए से देखना, ठीक है। चलो, और अगर सामने वाला मान लो सामने यहाँ पे कोई बेंजीन है, यहाँ पे आपके सामने कोई एक बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये देखो H2O बन गया, H2O बन के बाहर चला गया और इसके पास ये NO2 आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से। ऐसी अगर पैरा में हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और ये देखो ये गायब हो जाएगा और ये NO2 उसकी जगह में आके अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ऐसे बार बार होते हैं, इस चीज को आपको फोकस करना है, ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपको मिलेंगे ना, सब डबल डबल प्रोडक्ट देते हैं, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो सल्फोनेशन देख लेते हैं। सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो तीन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक देखा, पहला वाला हेलोजिनेशन जिसमें हमने हेलोजन डायरेक्टली यूज किया था, HCl2Cl2, Br2 भी ऐड कर सकते हो, कोई नहीं। तीसरा देखा हमने, सेकंड वाला देखा नाइट्रेशन में HNO3 ऐड किया। थर्ड वाला अभी हम देख रहे हैं सल्फोनेशन, जिसमें हम H2SO4 यूज करेंगे। कभी भी H2SO4 आया ना, आपको इसको किस नजरिए से देखना है, आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ पता कर लो, HOOSO2, इस नजरिए से आपको इसको देखना है, ठीक है। यही चीज है ना, देखो जरा H यहाँ पे ऐसे ही लिखा है ना, ये H2SO4 को HOSO2 देखना, ऐसे ही इसको हमेशा आपको देखना है, यही चीज को आपको फोकस करना है। ये होगा अपना पूरा माइनस, ये होगा प्लस प्रोडक्ट, तो इस चीज पे आपको थोड़ा फोकस रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे चार्ज आप यूज ही मत करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H आ गया, ये H और ये OH दोनों गायब होके वाटर बना देंगे, और देखो यहाँ पे SO3H गायब हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बट यहाँ पे उसने सल्फोनेशन बोला है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना। मैंने जो अभी आपको बताया है, ये कॉमन रिएक्शन सभी में होगा, आपको इसको ना इस रिएक्शन पर्टिकुलर के लिए ऐसे ही फोकस करना है, H और यहाँ पे ध्यान देना OSO2H पे ऐसे फोकस करना, या फिर H और यहाँ पे SO3H, आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों के हिसाब से आप यहाँ पे नजरिए पे ध्यान देना। इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यही चीज यहाँ यूज हुई है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हाइलोजिनेशन और नाइट्रेशन में वाटर रिलीज हुआ था हर बार, सल्फोनेशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाउ, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे और ये हाइड्रोजन गैस, दोनों हाइड्रोजन अगर निकालोगे तो यहाँ से गायब हो जाएगी, और ये SO3 जो माइनस होता है और ये अब प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे SO3 आके अटैच हो जाएगा। और अगर पैरा पे करता तो देखो पैरा पे आके अटैच हो गया, तो आपके ऊपर है, यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा 4-क्लोरो बेंजीन,
सल्फोनिक एसिड और दूसरा बनेगा 1-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड। तो याद रखना सल्फोनिक एसिड का एक ही रिएक्शन है सल्फोनेशन करना, और एग्जाम में सल्फोनेशन पूछता भी है। तो सल्फोनेशन में क्या ऐड करना है, H2SO4, और जिसको लिखना कैसे है, H बॉन्ड O SO2H या फिर H बॉन्ड यहाँ पे SO3H, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया सल्फोनेशन। और लास्ट फोर्थ वाला आ गया, इसमें भी भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक ऑर्थो पे रहेगा एक मेटा पे रहेगा, ये तो सिंपल सी कंसेप्ट है। और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अल्काइलेशन और असाइलेशन दो रिएक्शन होते हैं, एक असाइल क्लोराइड के साथ और एक अल्काइल क्लोराइड के साथ। इस रिएक्शन को आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, झूठ मत बोलना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है आपने। तो जब फ्रीडलक्राफ्ट के दो रिएक्शन थे, जब हम अल्काइल हैलाइड यूज करते थे तो उसे कहते थे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और जब हम असाइल क्लोराइड यूज करते थे तो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और जिसमें हमने और हम लोग प्रेजेंट यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ यूज किया करते थे। चलो ध्यान देते कैसे करते थे, यहाँ पे एक एच हो गया और यहाँ पे दूसरा एच हो गया, यहाँ पर भी हमको ये टू टाइम्स यूज करना पड़ेगा, ये Cl और ये HCl गायब, और इधर से एक का इधर से HCl गायब, एक बार ऑर्थो पे एक बार यहाँ पे पैरा पे, ऐसे रिएक्शन मिलता है। ये क्या था, अपना अल्काइल क्लोराइड था, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे एडिशन ऑफ असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड क्या होता है ध्यान देना, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये C है या? तो ये होता है असाइलिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है असाइलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपको बताना ना पड़े, 11th में आपने पढ़ाई होगा असाइलिक ग्रुप के बारे में। अगर यहाँ Cl अटैच हो गया तो ये बन गया असाइल क्लोराइड, Br अटैच हुआ असाइल ब्रोमाइड। तो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में हम ऐड करते हैं असाइल क्लोराइड को। तो यहाँ हो गया H, यहाँ भी हो गया H, टू टाइम्स इसे यूज करेंगे, पहला वाला क्या होगा, ये H और ये Cl गायब, तो बचेगा कौन सा, तो बचेगा अपना ये CH3 और ये बचेगा, तो ये सीधा का सीधा देखो जरा, यही है क्या यहाँ पे ऑर्थो पे, हाँ यही है, तो ये बन गया 1-chloroacetophenone, ये इसका नाम हो गया। सिमिलरली इधर H आ गया तो यहाँ पे HCl, देखो ये दोनों HCl गायब हो गया, तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो गया और H वाला गायब, तो बाकी चीजें देखो C से सीधा आके अटैच हुई है, तो इसका नाम हो गया 4 पे है ना, 1, 2, 3, 4, तो 4-acetophenone, ठीक है, पैरा वाला मोस्ट यहाँ पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज पे आपको फोकस रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था और बहुत ही आसान भी है, ज्यादा हार्ड रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। बस जितना हम अभी तक करते आ रहे वही किया है यहाँ पर भी, और बहुत सिंपल सा है, बस असाइल क्लोराइड यूज किया है। अब आप एक दो बार इसको देखो, फोकस करो, असाइल क्लोराइड हमेशा यहाँ से क्लोरीन गायब करना होता है, और ये जो बाकी का बचा असाइल ग्रुप इसको ऐड करना होता है, और इससे अपने को मिलेगा एसिटोफिनॉन, यानी कीटोन वाला ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप। कीटोन कैसा होता है, सी बॉल डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी ऐसे होता है, इसका भी यहाँ पे क्या नाम होगा, एसिटोफिनॉन इसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे एसीटोन, सॉरी यहाँ एसीटोन इसका नाम है, एसीटोन, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है सारी चीजों को, ठीक है। ये कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप, और बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच आ गया और यहाँ पे सी, तो ये बन गया एल्डिहाइड। ऐसे ही बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड और बॉन्ड ओ एच, ये बन गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये आपने फंक्शनल ग्रुप अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना यार, अच्छे से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना। मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में सब बताया, पहला दूसरा पार्ट में चैप्टर में मैंने बताया है, जाओ और इसी चैप्टर का पार्ट देखो, 11th में आपको याद करने बोला है, 11th का ये कंसेप्ट है, और मैंने यही हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में, स्टार्टिंग के चैप्टर में मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है। तो यहाँ से कंप्लीट होता है अपना चैप्टर, और यहाँ से अभी चिंदी मिंदी क्वेश्चंस हैं, ये जो एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स को 100% यहाँ से यूजेस में से आने वाला है, 100% एक कोई ना कोई पूछेगा, 100% बोल रहा हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जो बच्चे फेल होने वाले होते हैं उनके लिए यही क्वेश्चन कॉलेज वगैरह में करवाते हैं कि कर लो पास जाओगे, 2 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो फटाफट देखते हैं सभी के यूजेस के बारे में, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। पहला है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, डाइक्लोरोमीथेन यानी मिथाइल क्लोराइड का यूजेस, तो फटाफट जानते हैं इसके बारे में। ये हो गया डाई, यहाँ पे क्लोरोमीथेन के बारे में जान लो, डाइक्लोरोमीथेन ये कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल मतलब जो आपने नेल पॉलिश देखी होगी ना, लगाते ही उड़ जाता है, गायब हो जाता है, तो वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाए, गायब हो जाए, कलरलेस, और कलरलेस भी हो,
स्वीट एरोमा, मतलब अच्छी सी इसकी सुगंध होती है, ठीक है। और ये नॉर्मली प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज होता है। प्रोपेलेंट मतलब यहाँ पे किसी चीज को मतलब प्रोपेल करवाना, ठीक है, जैसे कि किसी चीज को गायब करवाना है, अलग करने के लिए, प्रोपेल करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये अगर इसका ज्यादा यूज हुआ तो डिजीनेस, फटीग, नौसिया, हेडेक, ये सब अपने बॉडी में फील होता है, ठीक है। और आई की कॉर्निया भी जो होती है ना, आई के बायोलॉजी के बच्चों को पता होगा कॉर्निया, तो आई की जो कॉर्निया होती है उसको प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्लोरोफॉर्म, वन एंड ओनली टूल ऑफ क्रिमिनल्स, जो चोर लोग होते हैं उनका यही सबसे बड़ा एकदम प्रोडक्ट है। ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये स्वीट इसकी स्मेल होती है। और ये नॉर्मली जो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है ये नॉर्मली डिजीनेस फील कराता है और हेडेक फील कराता है। और जब ये इसे आप इनहेल करोगे तो शॉर्ट टाइम के लिए आपको फटीग फील होगा, यानी मतलब पेन वगैरह या फिर थकान वगैरह, और ये लीवर को भी इफेक्ट करता है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये पॉइजनस भी होता है और ये हमेशा डार्क वाले बॉटल्स में रखा जाता है, मतलब इसमें लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर लाइट का कॉन्टेक्ट हुआ तो इसका पूरा इफेक्ट गायब हो जाता है, इसीलिए इसे डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं, लाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं रखना होता है, ठीक है। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है R22, रेफ्रिजरेंट R22 के फॉर्म में यूज किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखना। और इसमें से हम लोग नॉर्मली अनकॉन्सियस हो जाते हैं अगर क्लोरोफॉर्म यूज होता है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के बारे में। ये एक कलरलेस लिक्विड है जो कि स्वीट स्मेल होती है इसके अंदर, और ये वेरी यूजफुल एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है। तो MCQ पॉइंट पूछता है कौन सा सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है, तो ऑयल, फैट और रेजिन्स में सॉल्वेंट के फॉर्म में इसे हम यूज करते हैं। और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है लीवर के लिए, ठीक है। अगर हाई कंसेंट्रेशन यूज करते हो तो सीधा नर्वस सिस्टम में अटैक करता है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देना है। और ये बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है, लाइक ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस नहीं होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, ठीक है। चलो लास्ट है आयोडोफॉर्म और ट्राई आयोडोमीथेन, ये याद रखना आयोडोफॉर्म के बारे में। तो आयोडोफॉर्म क्या होती है, येल्लो कलर की गैस होती है, येल्लो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है एक, जो कि डिसग्रेडेबल होता है। स्मेल इसकी बहुत ही मतलब अजीब सी ऐसे होती है, आपने अभी इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती यार कैसी स्मेल होगी, क्योंकि स्मेल तो वही जान पाएगा जो उस स्मेल को लिया होगा, स्मेल को कोई नहीं ये बता सकता है, क्योंकि ये एक फीलिंग है, ओके। और ये एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है वुंड के लिए, घाव वगैरह लग गया तो आपको इसके लिए यूज होता है। अगर ज्यादा यूज करोगे तो स्किन और आईज में इसकी प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम देता है। डिजीनेस, नौसिया, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये इसका कॉमन कॉज है। और लास्ट में आता है फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स क्या होता है इसके बारे में समझ लो, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लोरीन एंड फ्लोरीन का, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरो फ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट जो होते हैं यानी कि AC वगैरह, यहां से भी ये रिलीज होता है, इससे बनाते भी हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली सबसे बड़ा नाम अब तक का डाइफ्लोरोमीथेन, तो इसे याद रखना फ्रियॉन 12 कहते हैं जिसे। और दूसरा है क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन R22 जिसे कहते हैं, और दूसरा है तीसरा ट्राई क्लोरो फ्लोरोमीथेन R11 भी जिसे कहते हैं। तो ये R22 R11 जो है ना, ये सारे नाम कंपनीज में नाम यूज होते हैं, क्योंकि वहां के वर्कर्स को ये नहीं पता होता कि क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन क्या होता है। अभी आपको ही नहीं पता होगा, आपने अभी पढ़ा है तो आपको मालूम पड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए ये कॉमन नेम नॉर्मली है, आप इसे याद रखना, रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होता है। फिर ये जो नॉर्मली है ये फ्रिज वगैरह में यूज होते हैं। रेफ्रिजरेंट यार मतलब AC है, ठंडी जगह जहां पे होती है उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है। और प्रोपेलेंट के फॉर्म में ये भी यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं इसे, और पैकेजिंग मटेरियल को पैक करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये इतनी हैजार्डस गैस होती है ना कि ये ओजोन लेयर को जो डिप्लीशन हो रहा है यानी ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन हो रहा है इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, इवन हम लोग का जब एग्जाम हुआ था मुझे अभी भी याद है, DDT ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, 2 मार्क्स को इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सीधा सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाने बोला था, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसी को बनाने आता ही नहीं, तो बहुत ही सिंपल सा, सीधा इस स्ट्रक्चर को याद करके जाओ, 2 मार्क्स पक्का 100% फिक्स हो गए आपके, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इतना बड़ा भी किसी का नाम होता है क्या, मजाक चालू है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये होता है कलरलेस, किसी को लगेगा मंत्र पढ़ रहा है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ये पहली बात। ऑर्डरलेस यानी कि जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस
जो खाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या खा रहे हो, पानी से भी एकदम, पानी तो कई भाई कोई तो टेस्ट होता ही रहेगा, कलरलेस भी होता है, कोई कलर नहीं इसको। ये इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होता है, हाउस फ्लाइज है जैसे मॉस्किटो है, बॉडी लाइस है, इन सबको खत्म करने के लिए यूज करते हैं। और ये अगर आप लोग इन इंसेक्ट को मारते हो लाइक हाउस फ्लाइज वगैरह, इन्हीं कंटामिनेटेड चीजों के वजह से, इन्हीं गंदगी की वजह से मलेरिया वगैरह होती है, टाइफॉइड होती है, तो इसे भी हम लोग रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अगर हाउस फ्लाइज है मॉस्किटो को मार दिया जाए तो। तो जो डीडीटी है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है मलेरिया और टाइफॉइड को कंट्रोल करने के लिए, और ये इंसेक्ट को किल करता है। और अगर ज्यादा डीडीटी यूज हो जाए तो शैकीनेस, ट्रेमर्स, वोमिटिंग वगैरह होने का चांसेस होता है, ठीक है। और ये नॉर्मली रिप्रोडक्शन सिस्टम में और लीवर में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक कॉमन चीज अब तक देखा कि जितने भी हमने देखा, फ्रियॉन्स देखा, मिथाइल आयोडोफॉर्म देखा, क्लोरोफॉर्म देखा, सबके सब जितने भी सब लीवर को इफेक्ट करते हैं, तो इसका एक मेन चीज, एक पॉइंट तो आपको मिल ही गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं, कलरलेस बहुत ज्यादा लोग हैं, टेस्टलेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये तीन चार कॉमन चीजें, कुछ भी पूछा ये तीन पॉइंट कॉमन लिख देने का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक होता है ऐसे क्वेश्चन को आंसर लिखने का, और ये स्ट्रक्चर आपको रट्टा मारना पड़ेगा सीधा सा, बिकॉज ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है, और डीडीटी का स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका कोई प्रूफ ही नहीं ऐसा है भाई, ये फॉर्मेशन है, और आपको छोटे मोटे रिएक्शंस तो आते नहीं है, ये कैसे आएंगे। तो आपको सीधा इस स्ट्रक्चर को लर्न कर लो, दो मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन इसका पूछेगा। तो याद रखना, कुछ ऐसे ऊपर हरे झंडी जैसे यहाँ पे तीन क्लोरीन लगा दो, बगल में दो पैर लगा दो क्लोरीन के, और यहाँ पे इसकी बॉडी है, और ये यहाँ पे नेक है, ठीक है। तो वो इंसान बनाते ना ऐसा, ऐसा इंसान बनाते वही बना दो, यहाँ पे अटैच कर दो बेंजीन, और इसके भी नीचे यहाँ पे एक एक क्लोरीन, खत्म हो गया, बन गया डीडीटी, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, कंप्लीट हुआ अपना हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कुछ भी अगर आपको नई वीडियोस वगैरह चाहिए तो वो भी आप बताना कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो और नोट्स अपने ले लो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।